नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ में हूं। प्रदेश में अचानक सामने आए धान घोटाले से सरकार सकते में है। आखिर यह घोटाला अपने अंजाम तक कैसे पहुंचा, यह हर कोई जानना चाहता है। पिछले 5 दिनों से अचानक सामने आए धान घोटाले से ईमानदारी के रास्ते पर चलने का दम भरने वाली तथा लगातार पिछले 5 साल से भ्रष्टाचार के खात्मे का दावा कर रही मनोहर सरकार चू के फिलहाल हाथ पांव फूले हुए हैं। हालांकि हरियाणा सरकार ने एक्शन लेते हुए राज्य के सभी जिलों में टीमें गठित कर दी, राइस मिलों के बाहर पुलिस का पहरा बिठा दिया। तमाम राइस मिलर्स इस पहरे का विरोध कर रहे हैं, मगर बावजूद इसके विपक्ष के लगातार हमले के बाद सरकार का यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर व्यापक पैमाने पर हरियाणा राज्य में धान घोटाला हुआ कैसे। हालांकि इस मामले में कई लोग यह प्रयास लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस मामले में चंडीगढ़ स्थित उच्च अधिकारियों की मिलीभगत है, जिसके चलते राइस मिलों में हुआ धान घोटाला अपने अंजाम तक पहुंचा। लेकिन समाचार एक्सप्रेस आपके सामने सिलसिलावार इसका खुलासा करेगा। हम इस घोटाले की परत दर परत आपके सामने लाएंगे और आपको बताएंगे कि प्रदेश के राइस मिल सरकारी धान कूट कर कितनी चतुराई और चपलता से सरकार को चूना लगा रहे हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि चूना लगाने के साथ साथ यह राइस मिलर्स भ्रष्टाचार के माध्यम से कितनी अकूत संपत्ति भी अर्जित करते हैं। हालांकि यह मामला कृषि विभाग से संबंधित होता है, लेकिन खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सीधे सीधे इस मामले में जुड़े होते हैं। भ्रष्टाचार के खात्मे का दावा भले ही सरकार पिछले 5 सालों में करती रही हो, लेकिन हरियाणा की जनता ने पिछले टर्म में रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विभिन्न विभागों के मंत्रियों की हालत प्रदेश की जनता ने कैसे की, यह सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता भी जानती है कि मंत्रियों ने सत्ता मिलते ही कैसे अपने पदों का दुरुपयोग किया। लिहाजा जनता ने इसका हिसाब किताब उन मंत्रियों से बीते चुनाव में उन्हें हरा कर पूरा कर दिया। अब बन गई प्रदेश में फिर से मनोहर सरकार। अभी मंत्रालय बांटे ही थे कि अचानक धान की फर्जी बिलिंग का घोटाला एक बड़े जिन की तरह निकल कर बाहर आ गया। धान घोटाला बाहर आते ही सरकार भी सकते में आ गई। हालांकि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रदेश उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास है। पहले यही विभाग प्रदेश के पूर्व मंत्री करण देव काम्बोज के पास। आपको बताते हैं कि कैसे राइस मिलों में धान की फर्जी बिलिंग का घोटाला अंजाम में लाया जाता है। हम सिलसिलेवार इस घोटाले की परत दर परत खोलेंगे। हम यह भी जानते हैं कि अब राइस मिलर्स सरकार पर दबाव क्यों बना रहे हैं, इसका भी खुलासा है। और यह भी बताएंगे कि फर्जी बिलिंग कर सरकार को चावल की आपूर्ति आखिर की कैसे जाती है। दरअसल ये घोटाला व्यापक पैमाने पर सामने तो अभी ही आया है, लेकिन इस घोटाले के तार पिछले कई वर्षों से सरकारी करिंदों से काफी पुराने समय से जुड़े हैं। इस मामले में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री से लेकर संतरी तक तथा जिले के मार्केट कमेटी तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जिलाधिकारी तक सीधे सीधे शामिल होते हैं। आप तो जानते हैं कि धान सीजन उस समय शुरू हुआ जब हरियाणा में चुनावों का डंका बज गया। हरियाणा में कुछ जिले ही ऐसे हैं जहां धान की खेती सबसे अधिक होती है। इसमें करनाल, कैथल, यमुनानगर, पानीपत, कुरुक्षेत्र जैसे चुनिंदा जिले शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा धान की खेती करनाल जिले में होती है। आपको यह जानकारी देना जरूरी है कि जिला करनाल में तरावड़ी और करनाल, निसिंग और घरोंडा में सबसे ज्यादा राइस मिल मौजूद है। समाचार एक्सप्रेस के सूत्रों ने जानकारी दी है कि पीआर धान की फर्जी बिलिंग के घोटाले का खाका विधानसभा चुनाव से पहले ही तैयार कर लिया गया था। मंत्री तथा चेयरमैन के अपने निजी सचिवों के साथ साथ जिले में तैनात किए गए जिला के अधिकारियों ने प्रदेश के राइस मिलों से पहले ही सेटिंग बिठा ली। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि इन्हीं निजी सचिवों ने मिल के मालिकों के साथ सेटिंग की। इस सेटिंग में जिले के मार्केट कमेटी तथा फूड सप्लाई एवं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जिला अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जब किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो
दो विभागों से जुड़े चेयरमैन इस सेटिंग में अपनी सफलता शामिल कर। जानकारी के मुताबिक जब किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो विभागों से जुड़े चेयरमैन इस सेटिंग में अपनी संलिप्तता शामिल करते हैं। सरकार को गुमराह करने के लिए यह शोर मचाया जाता है कि इन मामलों में उच्च स्तरीय अधिकारी शामिल होते हैं ताकि सरकार की जांच को भटकाया जा सके। आज केवल इतना ही, लेकिन कल आपको बताएंगे कि पीआर धान के फर्जी बिलिंग की दूसरी पिक्चर। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समाचार। एबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। रास बसेरा आपको दे रहे हैं समय से पहले अपने घर की चाबी। रास बसेरा जो कि जीटी रोड NH1 तरावली करनाल पर स्थित है, सभी सुविधाओं के साथ हाईली लग्जरी होम्स बहुत कम कीमत पर। 1 BHK की कीमत है मात्र 9,71,000 और 2 BHK मात्र 15 लाख में। मात्र 48,553 देकर आज ही अपने सपनों का घर बुक करवाएं, बाकी आसान किस्तों में। रास का सपना, सबका घर हो अपना। रास बसेरा, GT रोड NH1 तरावड़ी करनाल।